खड़े हो के अपनी हाजरी लवाओ। सेवा सिंह प्रधान, जसविंदर सिंह बीत प्रधान, धन्ना सिंह जनरल सकत्तर, केहर सिंह सकत्तर, देखो भाजी हाँ जी मेडिकल है, तरसेम सिंह कार सेवा, ये सारे हाजिर ने। जिहड़ी संगत पिछे खड़ी है उन्होंने बेनती है कि वह बैठ जाण, क्योंकि मानयोग सिंह साहिबान वालों इन्हों तनखाह लाई जानी है। और केवल जो तलब हुए ने, पेश हुए ने, वो ही खड़े होण। बाकी संगत को बेनती है कि वह बैठ जाए। धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र स्थान श्री अकाल तख्त साहब जी विखे जुड़ बैठे गुरु सवार फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समुचे संसार विच फैलिया होया है और समुचे ही संसार विच धर्म प्रचार के केंद्र गुरुद्वारे साहबान सतपुरा की पावन इतिहासक याद में सुभायमान ने, और हर थान से जुगो जुग अटल गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज प्रकाशमान ने, और समुचे गुरधामा का अस्थाना का उद्देश है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना और पंथ करोहरी रवायत परंपरावान मर्यादावां की राखी करनी करना, पंथ का प्रचार प्रसार करना। पर समय समय कई थावां ते मर्यादा विच उलंघना हो जाती है, जिवें कि पिछले दिन उत्तराखंड के इतिहासक स्थान गुरद्वारा नानक मत्ता साहिब जी विखे मर्यादावां की घोर उलंघना हुई और उतों की प्रबंधक कमेटी जिन्होंने तुरंत अपने अहुदिया तो अस्तीफे दिते और अज मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी वालों पांच सिंह साहबान की एकत्रता बुलाई गई और उतों की प्रबंधक कमेटी अज मेरी पीर दे मालक तिना ने 15 दिन सवेरे गुरद्वारा नानक मत्ता साहब अमृत वेले जी कथा होंगी है वह कथा सुननी है, मंजूर है? तो 15 दिन ही कथा सुनने तो बाद झाड़ू मारना, जोड़े साफ करने संगत के, नाल ही बर्तन साफ करने लंगर च, मंजूर है? 15 दिन ही अपने नितनेम तो अलावा एक सुखमणी साहब का पाठ करना। जदों 15 दिन पूरे हो गए उदों गुरद्वारा नानक मत्ता साहब 2100 रुपए की कड़ा प्रसाद की देग लैनी है, 2100 रुपया गोलक च पाउणा, तो उत्थे जो ग्रंथी साहब ने उहदे तो अरदास करवानी है, मंजूर है? ते ताड़ा ताड़ा तुसी दाड़ा रंगे है,
एक हफ्ते के अंदर अंदर तुसी पांच प्यारे साहबान दे पेश हो के ते लिखती जानकारी अकाल तख्त साहब ते देनी। भावें नानक मते हो लो पंजा प्यारे साहबान दे पेश हो के उत्थे तुसी उहदी लिखती जानकारी श्री अकाल तख्त साहब ते भेजनी है। अमर संचार जदों होएगा उस वक्त तरसेम सिंह ताड़ियां काफ़ी शिकायतां ने, तुसी हिसाब नाल चलो, संगत दे सहयोग नाल चलो, किसे किस्म दा कोई लांभा जिहड़ा वो नहीं होना चाहिए। कमेटियां नूं सहयोग दिओ, जिहड़ी कमेटी हैगी है उहनूं सहयोग दिओ। तुसी आदेश नूं मनदे हो, इस एक परिक्रमा करके दरबार साहब दी मत्था टेक के जाओ। तख साहब दे आओ तीन जने, तुसी पासे हो जाओ। सेवा सिंह माइक लो हाथ प्रधान हो कमेटी दे, ताड़ी निगाहबानी दे विच मर्यादा की उलंघना हुई है, तुसी आपकी गलती स्वीकार करते हो? दूसरे धन्ना सिंह जनरल सकत्तर है, ताड़ी निगरानी दे विच नानक मते दे अंदर मर्यादा की उलंघना हुई है, तुसी गलती कबूल करते हो? उच्ची बोलो। तरसेम सिंह तुसी उत्थे गुरुद्वारा साहबान की कार सेवा कर रहे हो, सारा कुछ होया तुसी कार सेवा करते हो करवा रहे हो, तुहानू पता है भी मर्यादा की उलंघना सी इह? मुकट जिहड़ा पाया वो तेरे डेरे च पाया, तुसी इस गल नू मनदे हो, गलती मनदे हो? तिन्ने जाने संगत वाली मूंह करके माफी मंगो। सचखंड श्री हरिमंदर साहब वाले मुख करके माफी मंगो। हुण गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दे तख्त वाले मुख करके माफी मंगो। जो श्री अकाल तख्त साहब वालों तुहानूं तनखाह लगेगी मंजूर है, खड़ो। और सारे नानक मते दियां संगतां नूं, उत्तराखंड दियां संगतां नूं यह अपील की जाती है, आदेश दिता जाता है कि ये कोई मिलवर्तन जड़ा वो ना रखा जाए। अज तो बाद ये दाड़ा रंगण वाला तनखाइया है गुरु पंथ का। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दाड़ी रंगी है गुरुद्वारा कमेटी का, वह मीत प्रधान है, दाड़ा रंग के आया ते अकाल तख्त साहब ते आके अकाल तख्त साहब की मर्यादा भंग की है, इस करके उन्होंने तनखाइया करार दिता। जिहड़े उन्होंने सेवा लाई गई है, सेवा लाई गई है उन्होंने कबूल की है, वो पूरी करनगे। जी सर, की सारा अपना नाम और डेजिग्नेशन दस के, की सारा मामला सी जिहड़ा तुसीं मंग पत्र दिता गया, सिंह साहब ने सजा भी सुनाई। मैं जसवीर सिंह विरक, भारतीय सिख संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये साढ़े सारे जड़े ने ये संगठन के मैंबर ने, असी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तो परसों इतने वापस आए सी सिंह साहब नूं मिलने वास्ते, लेकिन सिंह साहब श्रीनगर गए सी, अज ही सानूं उन्हां नाल मुलाकात हुई है, तो अज की तरीक इन्हां ने बाकी दोषियों की भी पाई सी। ये मामला नानक मता साहब का जिहड़ी उत्थे 24 तरीक नूं गुरु घर की गुरु की बाणी की ते गुरु साहब की जो बेअदबी का मामला सी, उहदे चज उन्हां सज़ा भी सुनाई। उत्थों दे दो, एक प्रधान एक मीत प्रधान साड़ी कमेटी का, एक सचिव सैकटरी जी कहिंदे ने ते एक मीत सैकटरी, लेकिन एक उन्हां चों अज तबीयत खराब होण करके नहीं सी आया।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਝਾੜੂ ਦੀ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਾਈਲਾਜ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 30-35 ਜਣੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਖ਼ਤ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੋਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਹਿਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਖੜ੍ਹੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਨਕ ਮਤਾ।